प्रेज लॉर्ड, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए और इस अच्छे समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक साथ जोड़ा कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना अपने अपने घरों में कर सके। आज असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च कमला नगर की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं इस समय में कि आप हमारे साथ आराधना करें। और परमेश्वर भला है जो हमारे साथ भली भली चीजें करता है। आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर को धन्य कहेंगे। तो मेरी ये दुआ है कि हम सब जन परमेश्वर में थोड़ा और बढ़ सके और परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगी से हो सके। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च कमला नगर, प्रेज द लॉर्ड। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एकजुट होकर उस महान परमेश्वर की सताइश करने के लिए रेडी हैं। जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट वर्शिप, प्रभु की आराधना, वचन सिर्फ एक बिल्डिंग में ही हो। हम जहां भी इकट्ठे होते हैं वहां परमेश्वर का आत्मा होता है। तो हम इस पूरे यकीन के साथ आपके साथ और हम सब मिलकर परमेश्वर गीत गाएंगे। एक वचन है फिलिप्पियों 4 उसका 7, तब परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से बाहर है मसीह यीशु में तुम्हारे मन और विचारों की रक्षा करेगी। तो इस वचन के अनुसार हमें चिंता नहीं करनी क्योंकि हमें सिर्फ उसे बराबर करनी है। हालेलुया। आइए प्रेज एंड वर्शिप में आगे बढ़ते हैं। Yeah।
Yeah.
अपने सारे में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने सारे खुदावन की शादमानी हमारी कुवत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे दिन के लिए, और इस दिन में जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम सब अपने अपने घरों में हैं, और हमें मालूम है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि हम अपने अपने घरों में, जब हम कलीसियाओं में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, तब हम अपने अपने घरों में आराधना कर सके और परमेश्वर के नाम को खूब धन्य कह सके। बाइबल में बताती है कि धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए भी, कि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, पर परमेश्वर ने जैसा वो हमें पहले संभालता था वैसा इस समय भी संभाला हुआ है, और हमारी एक एक चीज परमेश्वर के हाथों में है। हम किसी भी चीज को लेकर ये नहीं कह सकते कि हमारे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। बाइबल बताती है कि जो कुछ यहोवा ने चाहा उसने किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सिचुएशंस के लिए, भले चाहे सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना हो, हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए, पर हमें मालूम है कि परमेश्वर के हाथ में अभी भी सारी चीजें हैं, और वो आने वाले दिनों में बहुत खूबसूरत होने जा रही है। एक एक चीज के लिए खुदा बाप धन्य है, और जरूरत यही है कि हम अपनी जिंदगी से सदैव उसे धन्य कहते रहे। हम और आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के पास जब लेके आए हैं, हमें विश्वास होना चाहिए कि खुदा बाप हमारी हर एक सिचुएशन में रक्षा कर सकता है। उसने अपने वचन में कहा कि यहोवा हर एक विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि यहोवा तेरी रक्षा हर समय करेगा, और हर एक चीज से वो हमें बचाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक एक चीज के लिए कि परमेश्वर ने हमें आज इस माध्यम से बात करने का मौका दिया, जब अपनी अपनी कलीसियाओं में नहीं मिल पा रहे हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे माध्यम हमारे पास है जिससे हम एक दूसरे से जुड़कर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। बाइबल में एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बहुत आशीष मिली। बचाऊंगा इसी चीज को आपके साथ बांट सकूं जल्दी से। अगर हम खोलें, आप लोगों के पास बाइबल होगी, जल्दी से हम लोग खोल सकते हैं पहला क्रंथियो दस अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो
कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहा है, परमेश्वर का खादिम अपने लोगों को बयान कर रहा है और अपनी चीजों को, अपने एक्सपीरियंसेस को बांट रहा है और इस वाली बात को उसने बताना अच्छा समझा अपने लोगों से। अगर हम कहें तो एक अगुआ अपनी कलीसिया से चीज को बांट रहा है, लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, पुराने समय में परमेश्वर ने हमें वो बादल दिया जिसके नीचे वो मैं रखता था, और इसराइलियों का ये जिक्र है, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से छुड़ाकर कनान की तरफ ले जा रहा था, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था और दिन में बादल के रूप में और रात को आग के खंभे के रूप में वो परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक एक चीज के लिए। बाइबल में साफ साफ यहाँ पे बता रही है, हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, बाइबल हमारे लिए दी गई है ताकि हम इसको पढ़ें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। ये परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है जिससे परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहता है और हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे बेहतर कर सकते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। हमें परमेश्वर का वचन शिक्षित करता है हर एक चीज के लिए जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सके। यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक अगुआ अपनी कलीसिया को बता रहा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस चीज से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा पुराने समय में हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। और आगे बहुत अच्छी चीज लिखी है, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ इस बड़ी अच्छी बात के लिए कि हमारे लिए बाइबल दृष्टांतों के रूप में हमें समझाने के लिए और वो चीजें इन लोगों के एक्सपीरियंस से हमें सीख मिलती है कि हम परमेश्वर की राहों पर कैसे चल सकते हैं। बाइबल बताती है कि हमारे सारे बाप दादा बादल के नीचे जब थे उस वजह से वो हर एक अपनी विपरीत परिस्थिति से पार हुए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ हमें इस वचन को देने के लिए, और हमारे लिए बहुत 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 बरकत की बात है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज आयत में लिखा हुआ है, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। प्रेज लॉर्ड, इस समय हमको मालूम है कि इतना अच्छा नहीं है, हम हर हफ्ते मिलते हैं, आराधना करते हैं और परमेश्वर के नाम को खूब धन्य कहते हैं। हमें मालूम है कि परमेश्वर हमारे साथ 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 रहता है, पर इन दिनों में हमें अपने अपने घरों पर बैठ के इबादत करनी पड़ रही है, अपने अपने घरों में हमें एक दूसरे से हमारा मिलना कलीसियाई रूप से कम हो गया है, पर हमें मालूम है परमेश्वर इन चीजों को आगे बेहतर करेगा। हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, जैसा बाइबल हमें सिखाती है वैसे जो परमेश्वर उस टाइम पर लोगों के साथ था वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है और आगे आने वाले समयों में भी हमारे साथ वही परमेश्वर रहेगा। उसकी अच्छी बात यह है कि वो कभी नहीं बदलता, हमारे और आपके लिए वो परमेश्वर हमेशा जैसा था वैसा ही है। जैसा परमेश्वर उन लोगों के साथ था वैसा ही हमारे साथ भी है। हमें जरूरत है कि हम इन लोगों की तरह, जो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे लिए बाइबल में है, इन लोगों की तरह ही हम बादल के नीचे हमेशा हमेशा बने रहें, जिससे जैसे ये लोग पार हुए समुद्र को वैसे ही हम लोग भी पार हो सकें। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए। इस बात से आपको इनकरेज करना मांगता हूं कि अभी भी कुछ चीजें बिगड़ी नहीं है, अभी भी सारी सिचुएशन परमेश्वर के हाथ में ही है। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा वो करेगा। हमें, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक विश्वासी होने के नाते हम उस बादल को छोड़े नहीं, हम उस बादल से इधर उधर ना भागे, हम उस बादल से निकलने की कोशिश ना करें, छटपटाए नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, हमें मालूम है सब कुछ हो रहा है, पर हमें यह भी मालूम है कि परमेश्वर के हाथ में एक एक चीज है। बाइबल बताती है जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है उन्हें वो जानता है। अच्छी चीज है कि वही जानता है ना। हम और आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारे लिए प्लान्स बनाता है, और आगे लिखा हुआ है कि वो प्लान्स हमारी हानि के नहीं है परन हमारे लिए लाभ ही के हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए और इस आशीष की बात के लिए जो परमेश्वर के वचन में से हमने पढ़ी, कि एक बड़ा भाई या एक पासबान या एक अगुआ अपने लोगों को बता रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस चीज से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और वो सब समुद्र को पार कर गए। ये समय जो हमारे सामने है, ये बीमारी जो हमारे सामने है, इसमें हमें साहस छोड़ने की जरूरत नहीं है,
बल्कि उस बादल के नीचे बने रहने की जरूरत है, जिससे हम भी अपने बाप दादाओं की तरह, जिससे हम भी उन पुराने लोगों की तरह जिनको परमेश्वर मिस्र देश से निकाल लाया था और कनान की तरफ ले जा रहा था, और वो जब बादल के नीचे थे तो पार होते गए। हम भी, हमारे लिए भी ये अच्छी बात है कि हम भी इस बादल के नीचे, परमेश्वर की उपस्थिति के नीचे, भले ही चाहे हम घर पे क्यों ना हो, हम अपने घरों में परमेश्वर की स्तुति करें, वो अपने घरों में परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर को ना छोड़े। हमें मालूम है कि हमारा कलीसियाई रूप से मिलना कम हुआ है, पर हमें भी मालूम है कि परमेश्वर जैसा था वैसा ही है। में हमें बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 91 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए, इस पूरे अध्याय के लिए, कि जब हम परमेश्वर की शरण में रहते हैं तो वो सारी चीजें, वो सारी विपत्तियां जो इस संसार में फैल रही है, मालूम है कि परमेश्वर सब चीजों का करने वाला, परमेश्वर उसके हाथ से कोई भी चीज निकली नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम सुकूनत करना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हम आनंदित रहना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम भी बादल के नीचे अर्थात परमेश्वर के छाए हुए स्थान के नीचे रहें, जिससे परमेश्वर हमारी जिंदगी में खूब काम कर सके। वो बादल ऐसा वैसा नहीं है। जब इसराइली लोग लाल समुद्र को पार कर रहे थे तो वही बादल लिखा है इसराइलियों के और फिरौन की सेना के बीच में आकर खड़ा हो गया, और इसराइली लोग लाल समुद्र को पार हो गए और फिरौन सोच रहा था कि मैं भी पार हो जाऊंगा, फिरौन की पूरी सेना सोच रही थी कि हम भी पार हो जाएंगे, हम भी पार हो जाएंगे, हम भी पार हो जाएंगे, और बिल्कुल सिनेरियो बिल्कुल वैसा ही था, लाल समुद्र दो भाग था, पूरा सिनेरियो वही था। फिरौन ने देखा, फिरौन की सेना ने देखा कि इसराइल लोग तो पार हुए हैं, चलो हम भी पार हो जाएंगे, पर उनके पास एक कमी थी, वो कमी ये थी कि परमेश्वर उनके साथ नहीं था, और उन्होंने भी कोशिश की कि लाल समुद्र से दो पार, लाल समुद्र से उन्होंने भी कोशिश की और उन्होंने भी कोशिश की कि लाल समुद्र से पार हो जाएं, इसराइलियों का पीछा किया, पर जैसे ही वो महानद के बीच में पहुंचे, लाल समुद्र के बीच में पहुंचे, परमेश्वर ने पानी को ज्यों का त्यों कर दिया और सब फिरौन की सेना खत्म हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, जब परमेश्वर हमारे साथ है और हम उसके छाए हुए स्थान में, उसके बादल के नीचे रहेंगे, तो हम स्थल ही स्थल पार हो जाएंगे। हम और आप उस परमेश्वर के बच्चे हैं जिसने हमें बनाया है, और वो चाहता है कि हम उस बादल को कभी ना छोड़े। एक बार फिर से आपके बीच में यही बात पढ़ना चाहता हूँ जो लिखी है पहला ग्रंथियो 10 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और आगे लिखा है कि और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, साहस ना हारे बिल्कुल भी, ये समय के अंदर से अगर हम बादल के नीचे रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, तो परमेश्वर के पास सामर्थ है जो हमें इस विपत्ति से बचाए और हम इसके बीच से पार हो जाएं, बशर्ते हम अपनी चीजों को परमेश्वर के हाथ से अलग ना करें या पर अपने आप को झटपटाने ना दें, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके बादल के नीचे रहें और परमेश्वर की हर एक चीज पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं समय के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपने घर में रहें, परमेश्वर की आराधना करें, जरूर से परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, एक एक चीज परमेश्वर की महिमा के लिए करें। प्रेज़ लॉर्ड।